वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एक और वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज हम हाजिर हैं और आज एक ऐसे मौजू पर बात की जाएगी जो मेरे नज़दीक बहुत ही अहम है, अहमिल है। हमने अक्सर हर साल हम एक चीज़ देख रहे होते हैं स्टूडेंट के अंदर, आपने देखा होगा स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोसाइटल प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर और एक जो रेस एजुकेशन की हमें देखने को मिलता है। यस, आई एम टॉकिंग टू मेडिकल की MBBS के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि एक रेस होती है कि भाई वोट से पैसे देके मार्क्स वगैरह लेने से लेकर, जो कि एक प्रोसेस है। फिर मेरा टॉपिक जो होगा बेसिकली, अगर आप MBBS में सेलेक्ट नहीं होते तो देन क्या। यहाँ पे बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को लगता है, जो हमारे सोसाइटी को लगता है कि यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसके बाद आगे उनको लगता है कि शायद कोई लाइफ जर्नी नहीं है या कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस वीडियो में मैं कुछ ऑप्शन बताऊँगा। एक तो BS और ES डिग्रीज हैं, कुछ डिप्लोमाज हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिनमें अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता तो बायोसाइंसेस में वो जा सकता है। बायोसाइंसेस के अंदर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी BS कर सकता है, फिजियोथेरापी बच्चा कर सकता है। बहुत अच्छी ये फील्ड है, एक स्कोप है इन फील्ड, जो भी मैं फील्ड की बात करूँगा उनका अपना अपना एक स्कोप है, हम थोड़ा उस पर भी बात कर लेंगे। मगर कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं अगर आप इंटर के बाद MBBS में सिलेक्ट नहीं होते तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आप BS नर्सिंग में जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं। इंटरनेशनली एक आपका करियर अपॉर्चुनिटी हैं बहुत सारी। फिर आपकी फिजियोथेरापी आ गई, आप पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हैं, आप BS रेडियोलॉजी कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा में आपके OT टेक्नीशियंस आता है और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जिसको आप बोल रहे होते हैं। फिर नर्सिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं और भी बहुत सारे डिप्लोमा, ENT डिपार्टमेंट के डिप्लोमा हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे चले जाएँ, सिर्फ गाँव के अंदर अगर कराची में बात करूँ तो आपको वहाँ सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा के साथ साथ BS प्रोग्राम के एक लंबी लिस्ट मिलेगी। अगर गाँव के अंदर और भी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं आपको, तो मेरा एक मशवरा होगा स्टूडेंट के लिए, आप थोड़ी रिसर्च कर लें और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं या जो MBBS की तैयारी करा रहे होते हैं तो उनका मोटिव क्या होता है उसको उस पर बात ना करते हुए मैं आगे चलूँगा। तो बेसिकली बच्चों के पेरेंट्स और स्कूल्स और ये सब जितनी भी सोसाइटी के जो भी चीज़ें हैं उन सबको मिल के उस पर थोड़ी रिसर्च करके आपके लिए काउंसलिंग करवा के बच्चे की, अगर वो साइंस में इतना अच्छा है और उसको इसी फील्ड में जाना है तो ये बहुत सारे ऑप्शन से मिल जा सकता है। परेशान होने की कोई बात नहीं है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और कौन कौन सी ऐसी फील्ड है, उनकी क्या स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ये डिप्लोमा या BS प्रोग्राम करवा रही होती हैं। तो तब तक दे मुझे इजाज़त है, सो मच, अल्लाह।